मैंने एक बार कर दिया है, आप प्लीज देख लें जरा। स्टार्ट अब वो स्टॉप, ठीक है। राहुल दिख रहा हूं अब? हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा जो है चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से जो है। और हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। माय नेम इज़ मुकुल देव और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे मैं पीआईबी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो खबरें हैं उन खबरों का सार मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और उस सार में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वो खबरें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और किसी भी खबर को पढ़ने में हम लोग तीन चार बातों का ध्यान रखेंगे, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। एक तो खबरों की क्रमबद्धता होगी कि खबर जो है जो भी बन रहा है वो खबर जो आज है, जो न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ आज ऐसा नहीं हो सकता कि वो आज ही इवेंट क्रिएट हुआ हो, पीछे से भी उसकी कुछ अपने घटनाक्रम होंगे। तो मतलब करंट अफेयर्स में एक बड़ी चुनौती होती है कि हम तुरंत की बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इससे बचेंगे। हम लोग पीछे की भी सूचनाओं को लेंगे कि आखिर पीछे क्या हुआ था, ऐसी क्या बात हुई थी, ये क्यों आया, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन भी करता हूं अभी कि हम करंट अफेयर्स बोलेंगे किसको या हम कौन सी न्यूज़ को कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग जो है एक क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप जानते ही हैं, मेरे परिचय का मोहताज ये नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको आप देखें तो व्हाट विल यू गेट, तो यहाँ पे आपको ये अगर आप देखें तो आपको लाइव क्लासेस ये मिल जाएगा यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, एक सेकंड बस, ये ये हम लोग चलेंगे आगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमको क्या क्या मिलता है। तो डेली लाइव क्लासेस का ये शो है, ये मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे हमको, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस के साथ साथ जो है आपको लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैं अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहूँ तो मैं मुकुल देव, टीचिंग एक्सपीरियंस 7 साल का लगभग अनुभव है मेरा, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ। कंप्लीट मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया। टीचर की स्टाइल या टीचिंग स्टाइल आप कह दीजिए तो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स है कि कोई भी घटना वर्तमान में जो घट रही है उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे है, लीगल हो रहा है या फिर इकोलॉजिकल हो रहा है या फिर सोशियोलॉजिकल हो रहा है या फिर एनवायरमेंटल हो रहा है या फिर जो है इकोनॉमिकल हो रहा है,
तो ये एक कोई भी घटना हम उठा के हम इन एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे कि ये एस्पेक्ट्स जो है हमको कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। अगर आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे सॉरी मेरी पेन नहीं चल पा रही, तो एक सेकंड बस आप थोड़ा सा वेट करिए बस। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे सुदर्शन गुर्जर साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं, रोमन सैनी साहब हैं, दीपांशु सिंह साहब हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो कि आपको आपके सपनों को साकार करने में आपके साथ सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। अगर आप देखें तो यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पर आप जाएँ जो है, तो सब्सक्रिप्शन पर आप जाएँ तो एक वन मंथ का तकरीबन जो है 8,000, 3 मंथ का 20,000 और 6 मंथ का 36 और 12 महीने का 44,000 रुपए हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर देखें यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज को तो एक प्लस है, एक आइकॉनिक है कोर्सेज हैं, और अगर आप प्लस के कोर्सेज में जाएंगे तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप जो है 12 महीने का लेते हैं और अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करते हैं, दिस कोड इज़ मुकुल देव कैपिटल, ये जो है ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं मेरा, तो आपको यहाँ पे 44,000 की जगह तकरीबन 39,600 देना पड़ेगा, और यहाँ पे 64 है तो आपको ये 57,600 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। आइकॉनिक में जाएंगे तो आइकॉनिक में एक चीज़ अच्छी है, देखिए कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच अलॉट हो जाएगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस हो जाएंगे, स्टडी प्लानर्स हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे मिलने लगेंगी। हम लोग चलते हैं आगे जो है, तो अब हम आज की खबर लेते हैं, आज की खबर हम लोग चलते हैं। तो देखिए आज की खबर में अगर आप पीआईबी को देखेंगे तो आपको जो पहली खबर आपको मिलने वाली है वो आपको कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पे मिलने वाली है, या आप उसको बोल सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो हम लोग इस खबर को लेते हैं कि इस खबर में क्या है। अगर आप इस खबर को देखने की कोशिश करेंगे तो इस खबर में दो चीज़ें हैं। जैसे इस खबर में आप ये अगर खबर को लेंगे तो ये खबरें जो है ये दो अप्रोचेस पे हैं, एक तो पीटी के, एक तो प्रॉपर ये पीटी क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं, और दूसरा ये कुछ मेंस में भी है, मेंस में भी जा सकता है। जैसे मेंस में ये चीज़ें हो सकती हैं कि आखिर हमको क्या आवश्यकता है केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की, जब हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इतने सारे कोर्ट्स हैं तो भी हमको क्या आवश्यकता पड़ी कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की हम लोगों ने वो की। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं और पीटी और मेंस में। तो पहले हम खबरों को लेते हैं। असल में ये खबर क्यों आ रही है, ये खबर इसलिए आई क्योंकि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपना एक अधिकार अधिकार यूज़ किया जिसको कहा जाता है सुमोटो। सुमोटो इस अधिकार को वो यूज़ कर रहा है, और इस अधिकार को यूज़ जो है वो केंद्रीय अधिवक्ता साहब हैं पर्चा साहब, उन्होंने एडवोकेट वाइल आर्ग्यूइंग द केस जो केस आर्ग्यू कर रहे थे, और वो केस था एक एम्स के प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं संजीव चतुर्वेदी। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मामला क्या था, चर्चा में क्यों है ये कैट क्यों चर्चा में। हमको संजीव चतुर्वेदी साहब से कोई बहुत हमारा लेना देना नहीं है, ना हमें पढ़ना है, लेकिन ये क्यों आया। तो संजीव चतुर्वेदी साहब का ये मामला था, उनके मामले में बहस चल रही थी, और उस बहस में जो केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है उसने जो है सुमोटो लिया। तो हम लोग चलते हैं इस न्यूज़ के उसमें जो है, आखिर सुमोटो होता क्या है, व्हाट इज सुमोटो कॉग्निजेंसी, आखिर ये होता क्या है। तो देखिएगा इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि सुमोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। जितने भी जो उच्च न्यायालय हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप हाई कोर्ट ले लीजिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय ले लीजिए, जैसे ये उच्च न्यायालय है या भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, या अर्धन्यायिक निकाय हैं, इनमें एक अपनी एक विशेष ये पावर होती है, और इस पावर में एक विशेष पावर होती है, और इस पावर में उनके पास ये होता है कि किसी भी मामले को वह स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। जैसे कोई घटनाक्रम हो रही है और उस घटनाक्रम में वह अपनी एक स्पेशल पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वह स्वतः उस मामले को ले सकते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया है कि उस मामले को उन लोगों ने लिया गया, मतलब चीज़ों को ले लेते हैं। तो ये एक स्वतः सुमोटो का है। अगर हम देखें कि ये ट्रिब्यूनल है क्या, तो जो ट्रिब्यूनल है ये बेसिकली एक अर्ध न्यायिक संस्था है, एक अर्ध न्यायिक संस्था है। आप सोच सकते हैं कि न्यायिक संस्था आप पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं,
तो अर्ध न्यायिक संस्था है, ये संस्था क्या करती है, तो ये प्रशासनिक जो मामले हैं, जितने भी प्रशासनिक मामले हैं या जो कर संबंधी विवाद हैं, कर संबंधी विवादों में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो जैसे जितने भी इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी हैं, ये इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी हैं, तो इस तरह की अपीलेट अथॉरिटी का यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी, तो ये कर संबंधी मामले या फिर आप कह सकते हैं विदेशी मुद्रा संबंधी मामले या औद्योगिक और श्रम मामले या भूमि सुधार या नगर संपत्ति, इस तरह के तमाम मामलों पे या खाद्य सामग्री पे या किराएदारी पे ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। और ये ट्रिब्यूनल्स का गठन जो है ये अर्ध न्यायिक संस्था होती है जो पूर्णतः जो है प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों का हल करने का एक माध्यम होता है। यह जो है विवादों को स्थगित करने या जो है अधिकारों का निर्धारण या प्रशासनिक निर्णय जैसे प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करने में ये बहुत जो है एक बड़ा ही निर्णय की समीक्षा करने में इसके कई कार्य करता है। तो ये ट्रिब्यूनल है। अगर हम ट्रिब्यूनल्स का देखें तो भारत में प्रशासनिक अधिकरण की जो शुरुआत होती है, तो भारत में जो प्रशासनिक अधिकरणों की शुरुआत होती है, तो जब मूल संविधान हमारा बना था तो मूल संविधान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की बात नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय जब ये हमारे जितने भी बाबा साहब थे या जो लोग भी लॉ मेकर्स थे, तो उनको इस बात का उन्होंने हाई कोर्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दिया और इस तरह के न्यायालयों का उन्होंने किया, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसा वहाँ उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था। और उस समय इस तरह के कर संबंधी बहुत विवाद नहीं थे, उद्योगों संबंधित विवाद नहीं थे, प्रशासनिक संबंधी विवादों का भी देश अपनी शुरुआत पे था, अपना चलना सीख रहा था, तो इस तरह के विवादों का अंदाज़ा नहीं था या ये विवाद उनके सामने नहीं थे। तो हमारे भारतीय संविधान में एक सबसे बड़ा जो गुण होता है वो उसकी लोचनशीलता होती है। इस लोचनशीलता का मतलब ये है कि वह समय के सापेक्ष जो है गति करता है। समय के सापेक्ष गति का मतलब अगर समय में आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं से वह अपने संविधान में सुधार करता है। और इसी सुधार के तहत अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर एक 1985 में 323A जो है ये जोड़ा गया, और ये थी 323A या यहाँ पे आप देखें तो 323 क जोड़ा गया। 1985 में पहली बार ये देखा गया कि तमाम कर संबंधी मामलों में जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, तमाम जो है विदेशी मुद्रा के आयात और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, औद्योगिक और श्रम में प्रॉब्लम आ रही है, भूमि सुधार में प्रॉब्लम आ रही है, संसद में खाद्य सामग्रियों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। आप सबसे बड़ा मामला देख लीजिए, जैसे जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बनाया गया, NGT का स्थापना की गई, तो ये पाया गया कि जो पर्यावरण को लेके सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो इन मामलों में जब हम देश शुरू किए थे, जब हम चलना शुरू किए थे, जब हम अपना संविधान बना के हम एक इकाई के रूप में चलना शुरू किए थे, तो उन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम विकास का रास्ता तय किया तो हमारे पास इन विवादों की भी एक फहरिस्त तैयार हुई। तो इन विवादों को निपटान के लिए या इन विवादों को एक अस्थाई समाधान तंत्र के रूप में हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को के रूप में देखते हैं। अब हम इन ट्रिब्यूनल्स में देखते हैं कि ये एक्ट 1985 में आया, इट इज़ ए PT का फैक्ट है। PT के फैक्ट में अगर आप जाएंगे तो किस आर्टिकल में, तो यहाँ पे अगर आर्टिकल का आप देखना चाहें तो आर्टिकल 323A है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये लाया गया, तो ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन है, जिसे मैग्नकार्टा भी कहा जाता है, जिसे आमूल चूल परिवर्तन या ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान को प्रासंगिक बनाने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा संवैधानिक संशोधन किया गया वो 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया। तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से चीज़ों को किया गया कि 42वां संवैधानिक संशोधन से हमने अपने संविधान को और प्रासंगिक अपने परिपेक्ष में, अपनी ज़रूरतों में या देश को चलाने में या गाइडेंस के रूप में हमने उसको लिया, तो हम लोगों ने ये किया जो है। और इसमें इस न्यायाधिकरण के तहत केवल संसद के माध्यम से किया जा सकता है, न कि राज्य के विधानसभा के माध्यम से। तो ये इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर जो नए हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं, मुझसे भी जुड़ रहे हैं, और जो चीज़ों से जो लोग जो अभी अभी हाल में ही जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का जो है कि वो लोग जो है ये बात को ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 323A 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 323A में का गठन केवल संसद के माध्यम से किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभा के माध्यम से, हालांकि इसमें भी चीज़ें हैं।
और अगर आप जाएंगे तो ये 323A में जो है ये सेंट्रल इसका वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, वहीं अगर आप 323 ख में जाएंगे तो 323B में, 323B में यहाँ पे 323B इसमें अगर आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें जो है संसद तथा राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों से संबंधित मामलों में न्याय के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार है। 323A में नहीं है, 323A में नहीं है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 323 जो है ये A में नहीं है, यहाँ पे सेंटर है, लेकिन वहीं पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर प्लस स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट, अनुच्छेद 323 ख में संसद तथा राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों में, निम्नलिखित मामलों का मतलब है कि यहाँ पर कर संबंधी मामलों में, विदेशी मुद्रा संबंधी मामलों में, औद्योगिक और श्रम मामलों में, भूमि सुधार मामलों में, नगर की संपत्ति को मामलों में, खाद्य सामग्री के मामलों में, अगर मैं एक बार नोटिंग अगर आपके सामने कर दूं तो किन किन मामलों में अगर हम जा सकते हैं, तो नोटिंग पे अगर हम जाएं तो जैसे खाद्य सामग्री के मामले में, खाद्य सामग्री, कर संबंधी मामलों में, कर संबंधी, जैसे कर संबंधी अगर मामलों में जाएं तो हम लोग इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी, ये भी है अपीलेट अथॉरिटी है, और अगर हम देखना चाहें तो भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के, लैंड रिफॉर्म्स में भी हम लोग ना अपीलेट बनाते हैं, और ये जो 323 का है लैंड रिफॉर्म्स में या भूमि सुधार में भी जा सकते हैं, औद्योगिक और श्रम में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री में भी हम लोग जाके देख सकते हैं। तो इन मामलों में 323 बी में, बस अंतर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 323A और 323B में, 323 इज ओनली बाई सेंटर, और 323B में अगर हम देखें तो संसद तथा राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों में या जो मामले हैं उन मामलों में अधिकार है। अब इन अधिकारों के बाद अगर हम देखें तो यह थोड़ा सा पीटी का फैक्ट ज़्यादा होता है कि कंपोजिशन ऑफ कैट क्या है, मतलब ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर किन से मिल के बना हुआ है तो न्यायाधिकरण के सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिया जाता है, मतलब आपका जो है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स दोनों से हैं। अगर ये देखा जाए तो ये 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, मतलब टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, चेयरपर्सन जो होगा, जो अध्यक्ष होगा, जो इस पूरे कैट का अध्यक्ष होगा, वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, मतलब अगर उसका टर्म, जैसे अगर वो जब उसकी नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति से वो 5 वर्ष रह सकता है, या अगर वो नियुक्ति के बाद, अगर मान लीजिए नियुक्ति उसकी 63 वर्ष में हुई और वह 65 का हो गया तो 2 साल बाद ही हैव टू गो। इसलिए इसका इसमें 2 टर्म है, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में ये चीज़ें थोड़ा सा घुमा के रख दी जाती हैं। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का इसकी इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन होना चाहिए, बीच में बड़ा विवाद भी हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय का जज होना चाहिए या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगर इसका आप कंपोजिशन ऑफ कैट में देखें तो चेयरपर्सन शुड बी सुप्रीम कोर्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट, तो ये उसमें होना चाहिए। जो उसका उप चेयरमैन है या उप अध्यक्ष है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ये है कि 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और अन्य सदस्य, और ये ऑल आर अपॉइंट्स बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कंपोजिशन ऑफ कैट्स में हम लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है कि इसमें न्यायिक और प्रशासनिक दोनों लोगों को लेना है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय का जज होना चाहिए, ये उप अध्यक्ष जो है ये 5 वर्ष 12 वर्ष, और तकरीबन सभी राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त होते हैं। आप ज्यूरिडिक्शन ऑफ कैट का देखें तो किन मामलों में कैट जो है, कैट के पास ये अधिकार है कि किन मामलों में वो जा सकता है या किन मामलों की वो सुनवाई कर सकता है, क्योंकि जितने भी बने हैं, जैसे कर संबंधी जैसे अगर कर संबंधी में जाएंगे तो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी बनी है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मामले को ले सकता है, वो उन मामलों को ले सकता है जिस मामले में उसको लगे कि पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। तो इस तरह से कैट का भी अपना एक वो है कि अधिकार क्षेत्र है, और उन अधिकार क्षेत्रों पर अगर हम जाएं तो उसके अधिकार क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ये अधिकार क्षेत्र हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के, जितने भी IAS, IPS, IFS, ये सब भी जितने भी मेंबर हैं ये उनकी सुनवाई कर सकती है। संघ के अधीन अगर नागरिक सेवा या नागरिक पद पर नियुक्त व्यक्ति हो, संघ के अधीन होना चाहिए, मतलब अगर वो यूनियन सर्विसेज में है और यूनियन सर्विसेज में अगर वो उसकी पोस्टिंग है तो वो भी उसमें आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सिविलियंस अपॉइंटेड टू एनी डिफेंस सर्विसेज और पोस्ट रिलेटेड टू डिफेंस, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
कि किसी भी रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित पदों पर नियुक्त होने वाला नागरिक, जो वह नागरिक जो रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित मामलों में अगर वह नियुक्त हो रहा है तो उसको वो भी कैट की सुनवाई में, मतलब उसका भी अधिकार क्षेत्र कैट रख सकता है। उसके बाद पीएसयूज पे भी जा सकता है कैट की सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों को सूचित किया जा सकता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे गेल है, सेल है, ये सारी चीज़ें जितनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब भी कैट के जुडिक्शन में आती हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। और अगर हम ये देखें तो उसके बाद फंक्शंस ऑफ कैट क्या हैं, तो ये ट्रिब्यूनल को जो फंक्शंस हैं उसमें फंक्शंस में ये है कि उच्च न्यायालय के रूप में स्वयं की अवमानना के संबंध में, जैसे हाई कोर्ट ये पावर एक्सरसाइज करती है कि अगर उसका अवमानना हो तो उस अवमानना में या उसकी अवहेलना हो या उसके जो जजमेंट है उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो कंटेम्प्ट किया जा सकता है। तो समान अधिकार क्षेत्र और अधिकारों का प्रयोग करने की सख्त प्रदान की गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसको मतलब भारत में 42वें संविधान संशोधन से एक मजबूत आधार दिया गया है ताकि उसकी जो गाइडलाइंस हैं या जो वर्डिंग्स हैं उन वर्डिंग्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ एन कोर्ट। तो आप यहां पे अधिकार का प्रयोग करना होगा, शक्ति प्रदान की गई है। वहीं अगर आप देखें ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अगर आप जाएं तो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये जो है चंद्र कुमार केस एक आया था, चंद्र कुमार केस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि चंद्र कुमार के केस से ये पहली बार हुआ था कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर जैसे पास किया गया, जैसे मान लीजिए जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर्स जो है किसी सिविल सेवा सर्वेंट के खिलाफ है, तो वो ऑर्डर के उस पर आप जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ। आप उच्च न्यायालय में की जा सकती है या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, नहीं तो आप उच्च न्यायालय में जाएंगे और उच्च न्यायालय से फिर आप जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बात को, क्योंकि यहाँ यूपीएससी घुमा देगी कि आप ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो सीधे नहीं है, पहले यू हैव टू गो फॉर हाई कोर्ट, देन यू हैव टू गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। और कैट का जो प्रिंसिपल बेंच है वो जो है दिल्ली में है। तो ये हो गया। अगर हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने और फंक्शंस में और भी देखें तो एक यहां मामला आ रहा है कि मामले को तय करने में ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। ये प्राकृतिक न्याय क्या है, इसको अगर हम लोग बोलें तो प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है नेचुरल जस्टिस। अब ये प्राकृतिक न्याय क्या है, तो अगर हम देखें कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ये कर रहा है, तो प्राकृतिक न्याय वह न्याय सिद्धांत होते हैं जो हमको प्रकृति प्रदत्त होते हैं। मतलब जैसे मैं हूं तो बोलने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अच्छे पर्यावरण का अधिकार है, जल का अधिकार है, इस तरह से वह सारे अधिकार जो मेरे जीवन के लिए जरूरी हैं और जो मुझे प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिएगा यूपीएससी में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर है तो वो व्यक्ति की गरिमा को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति के जीवन को और बेहतर करने का काम करते हैं, उसके जीवन को गरिमामय पूर्ण बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि नेचुरल जस्टिस से आदमी या व्यक्ति का जो जीवन होता है वह क्या होता है, वो और पावरफुल होता है। और अगर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो अगर ये पर्सन और स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, एक ये पर्सन है या व्यक्ति और राज्य, स्टेट ये राज्य का कॉन्सेप्ट है और ये व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है। तो व्यक्ति और राज्य में अगर प्राकृतिक न्याय पे अगर मामला है तो यहाँ पे राज्य कहीं ना कहीं जो है राज्य पे बाउंडेशन है कि राज्य पे अगर किसी भी मामले में प्राकृतिक न्याय को किया जाएगा तो वहाँ पे राज्य के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी तय की गई है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है वो की गई है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा बाध्य नहीं है, इट इज़ नॉट सीपीसी के द्वारा ये बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों का वेतन, परित्याग और सेवा की शर्तें पहले से तय होती हैं और जो ट्रिब्यूनल का याचिकर्ता के समक्ष उपस्थित हो सकता है या कानूनी सलाहकार की मदद ले सकता है। देखिए हम लोगों ने पूरा कैट पढ़ा, तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने इस कैट में पढ़ने के दौरान अगर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा कि कैट होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, फिर हम लोगों ने इसका कंपोजिशंस देखा कि कंपोजिशंस मिलके बनता कैसे है, फिर हमने उसका फंक्शंस देखा कि फंक्शन क्या है,
तो इस तरह से हम लोगों ने एक जो है कल जो मामला था उस मामले में पूरे के पूरे जो है आर्टिकल 323A आर्टिकल 323B को हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि ये कैसे जो है 15वें उसमें जो है है, तो ये चीजें हम लोगों ने इसमें की हैं। अब हम लोग चलते हैं एक नया कल की जो न्यूज़ थी वो ई संजीवनी न्यूज़ है। ई संजीवनी न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ई संजीवनी न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं, ये ई संजीवनी न्यूज़ है क्या बेसिकली। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जाने के पहले जो है जाने के पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूँगा जो है ई संजीवनी न्यूज़ के बारे में कि ये है क्या बेसिकली। तो देखिएगा ये बेसिकली जो है एक टेलीमेडिसिन का शब्द है, हिंदी में भी वही है, सेम है टेलीमेडिसिन का है। तो इसमें क्या होता है टेलीमेडिसिन में कि हम जो है हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं आईटी का प्रयोग करते हैं। आईटी का मतलब है दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। और इस दूर संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हम करते क्या हैं, जो डिस्टेंस पे या दूर बैठा व्यक्ति है मतलब आईटी के से दूर बैठा जो व्यक्ति है उस दूर बैठे व्यक्ति को पर्सन को या व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके यहां पे स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं। और ये जो स्वास्थ्य का देखभाल है ये कैसे होगा, तो हम लोग जो है यहाँ पे रोगों की जांच करेंगे, उपचार जो होगा रोकथाम मतलब प्रिवेंशन पूरा, अनुसंधान मतलब रिसर्च अनुसंधान, और अगर हम इसको एक और देखें तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। अब मेरी बात थोड़ा सा इस ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, असल में थोड़ा पेन मेरी ढंग से चल नहीं रही है इसलिए हैंडराइटिंग गड़बड़ा रही है। ई संजीवनी का कॉन्सेप्ट आया है, ई संजीवनी के कॉन्सेप्ट में एक टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है और ये कल की खबर है, हालांकि ये पीछे भी खबर थी लेकिन कल की खबर में ये है कि बहुत ज़्यादा जो है इनरोलमेंट हो चुका है, तो ये PIB पे खबर थी तो इसलिए मैं इसको आपको लिए कवर कर रहा हूँ। टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है, टेली का मतलब यहाँ फोन है, आईटी दूरसंचार है, और आईटी और दूरसंचार से दूर बैठा व्यक्ति मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक हम क्या करते हैं कि मतलब एक वर्चुअल हम एरिया क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल एरिया में क्रिएट करके हम दूर बैठे किसी भी पर्सन को या दूर बैठे किसी भी जो रोगी है या जो जिसको रोग हुआ है उसका पूरा का पूरा हम लोग जो है स्वास्थ्य देखभाल कर सकते हैं। जैसे उसकी रोगों की जांच, वो अपना लक्षण बता सकता है, हम उस लक्षण को देख सकते हैं, उसके रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं, उसके बाद हम उसको प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या उपचार करना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको रोकथाम कर सकते हैं, उस पूरे प्रेस्क्रिप्शन पे रिसर्च कर सकते हैं और इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये एक जो है कॉन्सेप्ट है टेलीमेडिसिन का। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डायग्नोस किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस किया जाता है, इंजरीज किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि पेशेवर एक तरह से यहाँ टेलीमेडिसिन में जो पहला हम लोगों ने यहाँ बनाया था यहाँ पे दूर संचार की मदद से यहाँ पे एक डॉक्टर्स का पूरा पैनल होगा, यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे और ये डॉक्टर्स जो है आपको डिस्टेंस मतलब अब आपको डिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन डॉक्टरों से आप जो है अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ पे अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। तो ये एक टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है और ये टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो है ई संजीवनी के माध्यम से आया हुआ है। और इसके माध्यम से अब क्या हो रहा है जरा ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से ये हो क्या रहा है कि एक तो इसमें इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है हब स्पोक मॉडल का। हब, अब ये हब क्या है, तो यहाँ पे ये जो हब है यहाँ पे इस हब में कौन कौन होगा, ये हब में डॉक्टर्स होंगे। और ये हब कहाँ पे होगा, ये हब कहाँ पे होगा इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हब एंड स्पोक मॉडल, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो ये सब चीज़ें हैं मैं डिस्कस करूँगा। मैं जल्दी ही PIB पे क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हफ्ते भर का जितना भी होगा तो मेंस के क्वेश्चन आंसर सीरीज की मेंस में कैसे उसको हम लोग यूज़ करेंगे।
तो हब एंड स्पोक मॉडल होगा, जैसे अगर मतलब हम लोग ये अभी पढ़ रहे हैं, फिर मैं इसका एप्लीकेशन भी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी होगी, ये डॉक्टर्स की टीम बैठेगी कहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी जिला अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहां पर क्या होगा, ये हब होगा। किसका हब होगा? डॉक्टर्स का होगा। और इस हब से ये एरिया होगी, यहां पे स्पोक, मतलब यहां से स्पोक कौन होगा, ये होगा रोगी, ये होगा रोगी, यह होगा पेशेंट। अब ये पेशेंट कहां जाएगा? तो ये तो भाई मेडिकल कॉलेजेस यहां पे हैं, मेडिकल कॉलेजेस यहां पे हो जाएंगे, और इस मेडिकल कॉलेजेस से यहां पे जो रोगी बैठा होगा, वो रोगी क्या करेगा कि ये रोगी बैठेगा कहां, तो जितने भी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, ये देखिए ये यहां पे बैठे होंगे, मतलब स्वास्थ्य आपके नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होगा, या जो आपके आप जो नजदीक में आप जाएंगे, तो आपके गांव के आसपास, हर गांव के आसपास, 2-3 गांव के आसपास एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। उस स्वास्थ्य केंद्र पे पेशेंट चला गया, और वो पेशेंट, प्रॉब्लम क्या थी, हब स्पोक मॉडल लाया क्यों गया, क्योंकि पेशेंट होता क्या था कि जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र या कल्याण केंद्र थे, वहां पे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम नहीं थी, और बेस्ट डॉक्टर्स की टीम कहां बैठती थी, तो वो जिला मेडिकल कॉलेजेस में बैठती थी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बैठती थी, तो दूरी थी, मतलब दूरी डिस्टेंस था किसके बीच में, यहां पे देखिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को खत्म किया गया, ये खत्म किया गया। कैसे खत्म किया गया? वर्चुअली, मतलब आईटी के हेल्प से हमने खत्म किया, दूर संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने ये दूरी खत्म की। यहां पे हब में डॉक्टर्स बैठेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में बैठेंगे, यहां पेशेंट जाएगा और यहां से वो स्पोक करेगा, यहां पे पूरी फैसिलिटीज होगी। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आपको बहुत लेना होगा या आपको वो चाहिए, उस मतलब अच्छा इनवाइस चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, ये भी सुविधाएं हैं। तो रोगी यहां से बैठ के अपने डॉक्टर से अपनी सारी बीमारियों पे बात कर सकता है, कि रोकथाम पे बात कर सकता है, मूल्यांकन पे बात कर सकता है, रिसर्च पे बात कर सकता है। तो ये एक बड़ा जो है ई संजीवनी में वो है, ये जो ई संजीवनी है, ये आप देखेंगे तो ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के कार्यक्रम के तहत काम करेगा। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि ये जो है कार्यक्रम के तहत, मतलब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हम लोग चलेंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। और अब ये जो आया है, ये देखिए कि देश भर में सभी 3 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि 2022 तक ये भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि जितने भी स्वास्थ्य सेवा कल्याण केंद्र हैं वहां पर, और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर, हम लोग बेस्ट एक वो कर लें, हब एंड स्पोक मॉडल पे एक बेहतरीन मतलब हम बना लें, दोनों जगह, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी और वहां पे भी, मतलब क्या इसका नाम, स्वास्थ्य सेवा कल्याण केंद्र पे भी स्पोक, यहां पे हब, यहां पे, और इस तरह से 2022 तक का हम करें। ये अभी जो है इसका फायदा क्या होगा, अगर आप इसके लाभ को देखें, मतलब आप यहां पे अगर देखें ई संजीवनी के लाभ को देखें, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स बहुत बड़ा है। क्यों बेनिफिट्स बड़ा है? क्योंकि आप रूरल इंडिया है, आपके ज़्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं, ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्रों में हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और भारत सरकार प्रतिबद्ध है आपको आयुष्मान भारत के तहत, या आप अगर देखें तो जैसे राइट टू फूड है या राइट टू एजुकेशन है, वैसे राइट टू हेल्थ है। जैसे मान लीजिए, जैसे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन है ना आपके लिए, राइट टू एजुकेशन है कि आपका राइट है, राइट टू फूड है, राइट टू फूड है, इसी तरह से भारत सरकार राइट टू हेल्थ है। तो इस राइट टू हेल्थ को प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और इस प्रतिबद्धता के तहत भारत सरकार ने क्या किया, ई संजीवनी नामक एक ओपीडी लाया है। ये ओपीडी जो है, आप घर बैठे जो लोग जा सकते हैं स्वास्थ्य सेवा केंद्र, वो वहां पे भी जा सकते हैं, और जो नहीं जा सकते उसका नंबर है, उस नंबर से आप एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करेंगे, आपको लॉगिन मिलेगा। अब उस लॉगिन से आपको क्या होगा कि आप उस एरिया, आप उस केबिन में चले जाएंगे जो वेटिंग रूम होता है, उस वेटिंग रूम के बाद आपका नंबर जब आएगा तो डॉक्टर आपको एकदम फेस टू फेस दिखने लगेगा और आप उससे अपनी बातें कर सकते हैं। ये तो उन बड़े लोगों के लिए है, लेकिन जो हमारे गाँव गरीब के लोग हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था है कि वो जाके स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में चले जाएं और वहां से वो पूरी की पूरी सुविधा उठा सकते हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी है, तकनीक आधारित मंच है। अब सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है,
गेम चेंजर है, पूरी तरह से बदलाव कर सकता है हेल्थ सेक्टर में। इतना बड़ा बदलाव कर सकता है कि जो राइट टू हेल्थ है वो भारत सरकार डोर टू डोर स्टेप के तहत, भारत सरकार सबका घर नॉक करके कि भाई साहब आपके पास ये राइट टू हेल्थ का है और आप ई संजीवनी के द्वारा आप अपने हेल्थ की चेकअप, हेल्थ का जांच, रोग इलाज सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर है और खासकर उस ग्रामीण भारत के लिए, जो ग्रामीण भारत, जो रियल इंडिया है वो ग्रामीण भारत है, तो इनके लिए एक गेम चेंजर है। सबसे बड़ा बात स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते समय, सबसे बड़ी जो हमारा मतलब जो जब हम हेल्थ सर्विसेज पे जाते हैं तो सबसे बड़ा हैक्टिक जो है वो एक तो है कॉस्ट और दूसरा है टाइम, बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसी कॉस्ट और टाइम के फैक्टर को भारत सरकार ने यहाँ कम करने का प्रयास किया और इस कम करने के प्रयास में भारत सरकार ने ये जो टेलीमेडिसिन है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तीसरा, अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि डिजिटल इंडिया पूरे देश को, पूरे भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है। तो डिजिटल इंडिया के स्वरूप को भारत सरकार कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है प्रतिबद्ध कर रही है। हालांकि हम अपने अगले क्लासेस में या कहीं पे हम लोग हफ्ते में जब एक दिन मिलेंगे तो मैं इसकी आलोचना भी करूंगा कि डिजिटल इंडिया के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, विजन ऑफ डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट्स जो टेलीमेडिसिन को आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से इस तरह से है नहीं, या जो आप सेव टाइम एंड कॉस्ट कर रहे हैं तो टाइम और कॉस्ट की जो सेविंग है उसमें भी लूप होल्स हैं। और जो गेम चेंजर पे बात है, लेकिन अभी इतना ही करेंगे क्योंकि आगे की हमारी न्यूज पड़ी हुई है, तो हम लोग चलते हैं आगे फिर। और एक चीज और है उसमें, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो ई संजीवनी में तमिलनाडु जो है का ग्राफ सबसे ज्यादा आगे है, जो टेलीकॉन वो ले रहा है, कंसल्टेंट्स ले रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद केरल है, उत्तराखंड है। तो ये एक है फैक्ट के रूप में आप ले सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि राज्यों की प्रगति कितनी डिजिटल इंडिया के आधार पर है, या आप ये देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हैं चीज़ों के प्रति। तो तमिलनाडु नो डाउटली सबसे हिट पे है। अब हम लोग चलते हैं, एक बड़ा टॉपिक आ रहा है, प्लीज़ इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिएगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में थोड़ा सा चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, एडिशनल बोरिंग परमिशन ग्रांटेड टू 5 स्टेट्स। तो ये 5 स्टेट्स को एडिशनल एक ग्रांटिंग देने की बात की गई है। अब ये एडिशनल बोरिंग परमिशन ग्रांटेड टू 5 स्टेट्स, तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा विस्तार में हमको देखना पड़ेगा कि क्या मामला है। अभी आप लोगों को, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि कोविड है और कोविड के कारण पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या जो राज्यों की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से खतरे में गई है। खतरे में जाने का मतलब है कि वो पूरा तरह से, भाई 2 महीना अगर किसी भी पूरे देश को अगर आपने रोक दिया तो उसके आय का, जो आय का साधन था वो रोक दिया तो व्यय का साधन भी रुकेगा। और राज्यों की जिम्मेदारी है कल्याणकारी उपागम, हमारे यहाँ पे अगर अप्रोच हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे वेलफेयर अप्रोच अपनाया जाता है या कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी है। तो ये जो कल्याणकारी अप्रोच है इसके लिए किसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए मनी की ज़रूरत है। और ये मनी क्या है, मनी आय, भाई काम बंद रहा तो आय तो है नहीं, तो ये कहाँ से आएगा मनी। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा जाते हैं कि अभी क्या हुआ कि कल की खबर है कि 5 स्टेट्स को जो आपका सेंटर है वो उसने कहा कि आप एक्स्ट्रा बोरिंग कर सकते हैं। तो इस खबर की थोड़ा सा हम लोग पीछे और चलते हैं, इस खबर में पीछे थोड़ा सा चलते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर एक चर्चा करते हैं एफ आर बी एम एक्ट की। अब देखिएगा, FRBM एक्ट की पूरी चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कुछ बातों की चर्चा मैं यहाँ पे FRBM एक्ट की कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे टॉपिक है कि एडिशनल बोरिंग परमिशन ग्रांटेड टू 5 स्टेट्स, मतलब जो पैसा लेने का है वो 5 स्टेट्स को एडिशनल दे दिया गया, सभी राज्यों को दिया गया है लेकिन 5 राज्यों को अधिक दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको सामने करता हूँ FRBM एक्ट की। FRBM एक्ट में एक क्लॉज था कि जो है कोई राज्य जो है अपने स्टेट, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका जो है वो 3% ले सकता है, 3% जो है GSDP का जितना उसका राज्य का है उसका 3% वो जो है बाहर से मतलब ले सकता है, पैसा ले सकता है अपने राज्य में विकास करने के लिए। ये FRBM एक्ट में ये बात की गई थी। लेकिन इधर क्या हुआ कि जब कोविड आ गया तो इस कोविड आने के कारण केंद्र सरकार ने, सेंटर ने इसको बढ़ा के 2% कर दिया कि 2% और, मतलब 3+2=5% हो गया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो ये 5% हो गया। अब 3+2% तो 5% हो गया। तो ये जो 2% है, ये आया कहाँ से,
तो एफआरबीएम का एक क्लॉज तो ये था, एक क्लॉज ये है, और दूसरा क्लॉज एक और मैं बता रहा हूँ आपको। एफआरबीएम के एक क्लॉज में बोला गया कि जो भी ग्रॉस जो स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका वो 3% ले सकता है। फिर उसने 3% के बाद अभी हाल में केंद्र सरकार ने 2% और बढ़ा दिया, तो ये जो 2% है तो टोटल 5% हो गया। अब केंद्र सरकार क्या बोल रही है, केंद्र सरकार ने एफआरबीएम एक्ट का हवाला लिया और उसने कहा कि अगर एफआरबीएम एक्ट में एक बात और मेंशन है कि अगर नेचुरल वॉर हो जाए, और अगर नेचुरल वॉर हो जाए या मतलब लड़ाई हो जाए या युद्ध हो जाए, अगर हम इसको लिखें हिंदी में तो युद्ध हो जाए या फिर नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, या फिर नेचुरल कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, अगर इन दोनों ये नेचुरल वॉर या नेचुरल कैलेमिटी आती है तो सेंटर के पास ये अधिकार है कि वो 2% का और कैप बढ़ा सकता है। तो अब आप लोगों को, तो मैंने एफआरबीएम की दो बातें क्लियर की कि एक तो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% आप एक्स्ट्रा बोरिंग कर सकते हैं, लेकिन कोविड में भारत सरकार ने 2% का और बढ़ा दिया, 5% कर दिया। ये 2% का आधार कहाँ पे था, तो ये 2% का आधार उसी एफआरबीएम में था। उसने बोला था कि नेचुरल वॉर या नेचुरल कैलेमिटी अगर होती है तो इन आधारों को मद्देनजर रखते हुए 2% की और कर दिया गया, तो अब ये टोटल 5% हो गए। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी और बदलती है, अब समझिएगा बात को, यहाँ कहानी और बदलती है कि इस कहानी में होता क्या है, इस कहानी में होता क्या है कि थोड़ी सी चीजों को आप जो है ढंग से देखिएगा। यहां पे सेंटर ने कुछ शर्त लगा दी, सेंटर ने कुछ शर्त लगा दी। अब इन शर्तों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक किया कि जो आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक वो है प्रोडक्ट, इसमें आप जो है इसकी समृद्धि दर अच्छी होनी चाहिए, इसकी समृद्धि दर अच्छी होनी चाहिए, समृद्धि दर अच्छी होनी चाहिए, मतलब इसका बेहतर परफॉर्मेंस आपको करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं या जो माइग्रेटेड हैं, माइग्रेटेड लेबर्स हैं, इनका जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इनका कल्याण करना पड़ेगा। कल्याण का सेंस है कि इनके फूडिंग, इनके रोजगार का आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। फिर अगर हम तीसरा देखते हैं तो जो आपका जो खाद्यान्न वितरण है, खाद्यान्न वितरण का मतलब है कि फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीकेज है, मतलब लीकेज का मतलब जो भी इसमें खामियां हैं, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। फिर अगर हम देखें तो एक और इन्होंने बनाया कि निवेश द्वारा रोजगार, मतलब आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो ऐसा करेंगे कि वो रोजगार मूलक हो। रोजगार मतलब आप इन्वेस्ट कोई चीज, अगर आप ये कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 रुपए का, तो इस 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट कुल मिला के क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए, ये आपने बोला। फिर आपने बोला कि एक बात और बोली कि विद्युत क्षेत्र को सतत बनाते हुए, जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र है उसको सतत बनाते हुए नगरीय विकास तो था, इसको ऐसा बनाइए, इसको सस्टेनेबल बनाइए। और क्या, किस बात पे आप ध्यान दीजिए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, और किस पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे, मतलब आप हाइजीन पे और हेल्थ पे। ये एच स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, हाइजीन और हेल्थ, इन पे आपने, तो ये सेंटर की एक शर्त थी कि इन शर्तों को आपको लागू करना है। प्लस एक शर्त और रखी, जो 15वां वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसको जो है आपको लागू करना है अच्छे से, उसकी सिफारिशों को लागू करना है। अब इन शर्तों के आधार पे, अब देखिएगा मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 200 बेसिस पॉइंट बनाए गए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 200 बेसिस पॉइंट बनाया गया। अब इस 200 बेसिक पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स ये सभी राज्यों को, ऑल ऑफ द स्टेट्स, सभी राज्यों को दे दिया गया। मतलब 50 पॉइंट्स का मतलब है कि 3% तो वो पहले ही देखिए ले सकते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले मैंने एफआरबीएम एक्ट में कहा था कि 3% है प्लस 2% है,
तो ये जो 2% है वो डिवाइड हुआ 200 में, मतलब जो 1% है वो क्या हुआ 100, तो 2 हो गया 200, तो ये 200 बेसिस पॉइंट है। 50 पॉइंट्स जैसे ही ये आप लागू करेंगे, ये सारी चीजें आप लागू करेंगे जीएसटीपी में, समृद्धि माइग्रेटेड लेबर्स को करेंगे, यहाँ खाद्यान्न पे करेंगे, इन्वेस्ट पे करेंगे, जैसे ही ये सारी बातें आप लागू, ये 50 पॉइंट ऑल स्टेट्स के लिए दे दिया गया। लेकिन इस 50 पॉइंट देने के बाद अब थोड़ा सा उन्होंने कहा कि आपको और काम करना पड़ेगा, आपको और भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि अब आपको क्या करना पड़ेगा 200 बेसिस पॉइंट में, अब आपको 100 पॉइंट्स फिर उन्होंने लिया और इस 100 पॉइंट्स को फिर उन्होंने बांटा। उस 100 पॉइंट्स में कहा 25 पॉइंट्स जो है वो जब आप वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करेंगे, वन रेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करेंगे, ये उन्हीं राज्यों को मिलेगा। देखिए ये जो शर्तें हैं, जो ये पूरी शर्तें हैं, ये वाली, ये सभी शर्तें लागू करने के बाद आपको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये सभी राज्यों को उन्होंने दे भी दिया। अब उन्होंने कहा कि 50 निकल गया तो बचा कितना, 50 गया तो बचा टोटल 150 हमारे पास। उस 150 में जो 100 है उस 100 को उन्होंने डिवाइड किया 25 में, कहा जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अच्छे से लागू करेगा उसको देंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो ईज डूइंग बिजनेस पे ध्यान देगा, ईज डूइंग बिजनेस पे ध्यान देगा, उसको हम 25 और दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 25 उसको देंगे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देगा, विद्युत वितरण पे ध्यान देगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे या विद्युत वितरण पे ध्यान देगा, तो हम उसको और दे देंगे। फिर उन्होंने 25 पे बोला कि भाई यह शहरी या स्थानीय निकायों में, मतलब शहरी या स्थानीय निकायों में, शहरी या स्थानीय निकायों में जो स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, स्वास्थ्य पे मतलब हेल्थ पे जो ध्यान देगा, कहाँ पे, अर्बन में ध्यान देगा, हम उनको देंगे। तो ये हो गया टोटल। अब आप देखिए कि ये जो 100 डिसाइड हुआ, ये जो 100 है यहाँ पे, यहाँ पे ये 100 डिसाइड हुआ 25 25 उसको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को देंगे, 25 देंगे ईज डूइंग बिजनेस को देंगे, 25 देंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले को और 25 दे देंगे शहरी स्थानीय और स्वास्थ्य सेवाओं वालों को। तो इस तरह से 50 पहले ही सभी राज्यों को दे दिया, अब जो फुलफिल करेगा उसको 25 देंगे। अब देखिए 150 में फिर कितना बचा हमारे पास, 50 पॉइंट और बचा। ये 50 हम उनको देंगे जो इनमें से कोई भी 3 क्राइटेरिया पूरी करते हैं, इनमें से कोई भी 3 क्राइटेरिया जो पूरी करेंगे उसको हम 50 दे देंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको ये पूरी खबर बताई। देखिए इस खबर में जो एक्स्ट्रा बोरिंग करने का अभी केंद्र सरकार ने दिया है जिन 5 राज्यों पे, मैं उस पे आ रहा हूं अभी, जैसे आंध्र प्रदेश को दिया, तेलंगाना को दिया, कर्नाटक को दिया, गोवा को दिया, त्रिपुरा को दिया, हम लोग उस पे चलते हैं। इनको दिया तो किस आधार पे दिया, पहले तो केंद्र सरकार के पास खाली FRBM एक्ट के तहत 3% का पावर है, तो 2% उसने कहां से बढ़ा दिया भाई, आना चाहिए कि 2% क्यों बढ़ाया। तो ये उस शर्त के तहत बनाया कि नेचुरल वार होगी, नेचुरल कैलमिटी होगी, तो ये कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको देख के 2% बढ़ाया गया। राज्यों का आय रुका हुआ था और कल्याणकारी उपागम का देश है, कल्याण करना ही करना है, तो कल्याण करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो कहां से आएगा, आएगा तो 2% सरकार ने कहा एक्स्ट्रा बोरिंग और कर लीजिए, हम देंगे, तो ये कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये शर्त पूरी कर लीजिए, तो उन्होंने इन शर्तों को कहा कि इन शर्तों को आप भाई पूरी करिए, और जब ये शर्तें पूरी हो गई तो ये 3% का, यहाँ पे शर्तें जैसे ही पूरी हुई तो यहाँ पे 50 पॉइंट। अब ये जो 2% है ये डिवाइड होता है 1% का, मतलब 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट और 2 का मतलब होता है 200। 200 बेसिस पॉइंट में 50 पॉइंट तो पहले ही उन्होंने ऑल स्टेट को दे दिया, बाकी जो बचा 100 और 50 उसमें 100 में उन्होंने 1, 2, 3, 4 भागों में डिवाइड किया है, कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो लाएगा, जो ईज डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, जो पावर वितरण को बढ़ाएगा, जो शहरी और स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, उनको हम देंगे। अब जरा यहाँ पे न्यूज पे हम लोग वापस चलते हैं, न्यूज पे अगर हम लोग चले हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है, न्यूज पे चले तो यहां पर देखिए, यहाँ पे ये देखिए, एक राशन कार्ड का प्रणाली का कारण ईज ऑफ डूइंग, शहरी स्थानीय विकास, उपयोगिता सुधार, पावर सेक्टर में सुधार,
इन राज्यों में इन इन ये जिसने किया, अब यहां पर किया किसने है, तो अगर आप देखेंगे तो एडिशनल बोरिंग यहां पर किस किस किसने ये किया, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, तेलंगाना ने किया है, गोवा ने किया है, कर्नाटक ने किया है और त्रिपुरा ने किया है। यहाँ पे यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। अब जरा यहाँ समझिएगा कि 3% तो सभी राज्यों को मिला, 3% ऑल द स्टेट्स। अब जो है 2% में, 2% डिवाइडेड है 200 बेसिक पॉइंट्स में। इस 200 बेसिक पॉइंट्स में इन लोगों ने, इन भाई साहब लोगों ने या इन स्टेट्स ने पहला जो वन राशन वन नेशन या वन नेशन वन राशन स्कीम को अपने यहां पे बेहतरीन ढंग से लागू कराया। इस बेहतरीन ढंग से लागू करने का मतलब है कि इनको कितना मिल रहा है, इनको 0.25 मिल रहा है, 0.25। अगर आप इसको फिर से देखें यहां पे, तो यहां मैंने कहा था कि जो इसको लागू करेगा, एक को लागू करेगा उसको 25 मिलेगा, तो यहां पे 25 बेसिस पॉइंट्स पे, तो यहां पे इनको, इन सभी राज्यों को एक्स्ट्रा बोरोइंग का अधिकार भारत सरकार ने दिया है। ये पूरा कंप्लीट मैटर है कि एडिशनल बोरोइंग, वहां पे पीआईबी में सिर्फ इतनी बात मेंशन की गई है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को दिया गया। मैं आपके साथ आगे बढ़ के, मैंने एफआरबीएम एक्ट को पूरा डिस्कस कर दिया आपके लिए कि एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, एफआरबीएम एक्ट में कैसे ये लाया गया, कैसे राज्यों के पास अधिकार है कि 3%, कैसे केंद्र उनको 2% का और किया, क्या परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों में कैसे कैसे केंद्र ने नियम बनाए, उन नियमों को कैसे राज्यों को लागू करना है और कैसे उन राज्यों को लागू करने के बाद वो उनको एक्स्ट्रा अधिकार मिलते हैं। तो ये एक टॉपिक हम लोग का खत्म हुआ, एडिशनल बोरिंग परमिशन ग्रांटेड टू 5 स्टेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री ये 15 लाख लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड अंदर इसके यहाँ आ रहा है, मतलब अंडर पीएम स्वनिधि योजना। तो अब जरा हमारी एक फिर से बात आप लोग समझिएगा, पूरी बात मेरी सुनिएगा यहाँ पे कि COVID-19, ठीक है, ये क्या है, एक महामारी है, ठीक है। इस ये मतलब देखिए, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि आखिर ये मामला आया कहां से, ये संविधि की योजना आ गई, क्या मामला है। तो इस महामारी ने किया क्या, तो इस महामारी ने औद्योगिक अगर हम चलते हैं इकाइयों को, औद्योगिक इकाई, संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज, असंगठित या अनऑर्गेनाइज को और जितना भी ट्रेड है सबको क्या किया इसने, सबको आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अब औद्योगिक इकाइयों को पहुंचाया, संगठित को पहुंचाया, ट्रेड पहुंचाया, तो ये जो है फर्स्ट, ये सेकंड तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये अपने आप को तब भी क्या करेंगे, संभाल लेंगे, मतलब ये अपनी सस्टेनेबिलिटी को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं इस कोविड-19 के दौर में। लेकिन ये जो असंगठित क्षेत्र है, ये जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र है, ये डेली कमाता है, डेली खाता है, ये डेली कमाता है और डेली खाता है। तो इस पे बड़ी मार पड़ी। अब क्या है कि अब जरा देखिएगा, आखिर क्या जरूरत थी हमको, आखिर ये हमको इसकी जरूरत क्या है, इस योजना की, संविधि की आवश्यकता क्या है, वाई वी नीड दिस योजना, क्या जरूरत थी भारत सरकार को लेके आने की, अब इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी आवश्यकता को अगर जान जाएंगे ना, तो प्रारूप आप खुद ही समझने लगेंगे। तो अब देखिएगा, कोविड का मामला था, ये आवश्यकता एक ये है कि असंगठित समाज है, डेली कमाता खाता है, और ऐसे में COVID-19 की जो था वो सबसे ज्यादा मार पड़ी। दूसरा एक ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है,
इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी इनका आंकड़ा, जो इनका आंकड़ा है वो प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, अनएजुकेट है। अब इस अनएजुकेट आंकड़े को अगर हमको कोई सहायता पहुंचानी हो, कोई भी सहायता पहुंचानी हो, या फिर आप कह सकते हैं सब्सिडी देना हो, तो जब आंकड़ा ही नहीं है, जब आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास, तो सहायता क्या पहुंचाना एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगी या चुनौती हो जाएगी। अब इस चुनौती से निपटने के लिए क्या होगा, एक चुनौती हो जाएगी, तो सरकार नहीं पहुंच पा रही है, सरकार होगी नहीं, तो ये असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज क्षेत्र करेगा क्या? ये अनऑर्गेनाइज क्षेत्र कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा साहूकारों से पैसा लेगा, और साहूकारों से जो पैसा लेगा वो कैसा होगा, वो महंगा होगा, मतलब जो ऋण है या जो डेप्ट है वो कैसा होगा, महंगा होगा, और इस डेप्ट को क्या है, वो चुकाने में असक्षम होगा, और फिर क्या होगा, एक पावर्टी की साइकिल क्रिएट होगी। और चूंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इस पावर्टी की साइकिल को रोकने के लिए आप समझिएगा क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता है कि आंकड़ा प्रमाणिक नहीं है, ये आंकड़ा है प्रमाणिक नहीं है, अनएजुकेट है, और अनएजुकेट नहीं तो हम सब्सिडी नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये समृद्धि योजना लानी पड़ी, इसलिए लानी पड़ी क्योंकि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, इसलिए लानी पड़ी क्योंकि हम इनको सब्सिडी या सहायता नहीं दे पाएंगे, तो ये महंगे ऋण लेंगे तो ये चुकाने में असक्षम होंगे तो पावर्टी साइकिल में फंस जाएंगे और गरीबी बढ़ेगी, और अगर गरीबी बढ़ेगी तो हमारे देश में का जो वो है वो क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इस गरीबी के दुष्चक्र से बचने के लिए, हमने क्या किया, संविधि योजना लॉन्च की। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों हमने ये योजना लाई है। अब ये योजना का कुछ मेन फैक्टर से जरा जल्दी से चलते हैं हम लोग, किसके द्वारा है, तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। इसका अगर बेनिफिट्स किसको मिलेगा, वेंडर्स को मिलेगा, हाँ मिलेगा, हॉकर्स, ठीक है, ठेले वाला, ठीक है, हॉकर्स का मतलब जो फेरी वाला है, ठीक है, वेंडर्स को मिलेगा। ये जो अपैरल है, ये परिधन जो बनाते उनाते हैं उन लोगों को मिलेगा, नाई को मिल जाएगा, जो पॉटरीज बनाते हैं या जो आर्टिशियन प्रोडक्ट्स हैं या जिसको कहा जा सकता है कि श्रृंगार वाले लोग हैं उनको मिलेगा, लॉन्ड्री सर्विसेज, इन सबको लिया जाएगा। तो ये एक क्यों लिया जा रहा है इनको, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। तो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन दे रहा है, कौन ये सुविधा दे रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन दे रहा है। किसको दे रहा है, ये दे रहा है, किसको मिल रहा है, तो इनको मिल रहा है। ये सारे लोग कौन हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, तो जरूरत मैंने आपको इसके पहले डिस्कस कर दी कि जरूरत ये है। अब इसमें फायदा क्या है, तो जरा फायदा देखिए, फायदा ये है कि 10,000 रुपए तक का सिक्योरिटी फ्री लोन, मतलब कोई सिक्योरिटी, नो कोलेटरल, कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए आपको, नो कोलेटरल। डिजिटल लेनदेन पर 12,000 तक का कैशबैक है। अगर आपने ये पैसा समय के साथ दे दिया तो 7% की ब्याज सब्सिडी है, और समय से भुगतान करने पर अगली बार बड़ा लोन है, मतलब अगर 10,000 का लिया और अगर समय से दे दिया तो 20,000 रुपए आपको अगली बार आप लोन मिल सकता है। तो ये है कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, कौन दे रहा है, तो दे रहा है हाउसिंग एंड अर्बन, किसको दे रहा है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन है भाई, वेंडर है, हॉकर है, ठेली वाला है, परिधन वाला है, नाई वाला है, श्रृंगार वाला है। इसमें क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या दिया जा रहा है भाई, तो पूछा, अगर किसी ने पूछा क्या क्या दिया, 10,000 दिया जा रहा है भाई। फिर उसने पूछा क्या और क्या कर सकते हैं, तो भाई 12,000 तक का कैशबैक है, 7% अगर आप जमा कर रहे हैं तो सब्सिडी मिल जाएगी, अगली बार आपको बड़ा लोन मिल जाएगा। ये एक बड़ी बात है, 7% का यहाँ पर आपको कैशबैक जो है, आपको अगर आप जो है पैसा समय से कर दे रहे हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत अगले 6 महीने तक
आपको अगले 6 महीने तक आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपके सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ये चीज़ें जो है चली जाएंगी। ये बड़ी चीज़ है। एक और बड़ी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको, मैं आपको इसलिए डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे पहली बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को यूज़ किया गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को यूज़ किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यूज़ किया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्र की गरीबी आबादी से जुड़ी किसी योजना को शामिल किया गया। पहली बार है कि ये सारे लोग उस सिस्टम्स में आ रहे हैं जो कि लोगों को इस तरह का ऋण मुहैया कराएं, और ये कोलेटरल ऋण है, मतलब फ्री है, फ्री फ्रॉम कोलेटरल है, कोई आपको मतलब गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको जमीन नहीं दिखानी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 10,000 तक का लोन आप ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को आप उस साहूकार के चक्कर में नहीं फंस सकते, गरीबी के दुष्चक्र में आप नहीं फंस सकते हैं। तो इस तरह का आपका ये है। अभी एक जो ये खबर क्यों आई, ये खबर इसलिए आई क्योंकि एक ये चीज था कि जो ऋण स्वीकृति थी यहाँ पे, अगर आप ऋण स्वीकृति को देखें तो इसको क्या है बेस्ट बनाने के लिए या सुगम बनाने के लिए क्या किया गया कि जो आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे ये ए है, इसको चाहिए 10,000 रुपए, इसको चाहिए, तो ये सीधे कहाँ जाए, ये बैंक चला जाए, ये सीधे बैंक चला जाए और बैंक की शाखा में, बैंक के ब्रांच में, आवेदन को सीधे बैंक की शाखा में, तो ये अपना जो आवेदन है, आवेदन है ये सीधे ब्रांच में ले जाके जमा करे और अपना जो है भेजने का निर्णय लेगा, जिनकी पहचान वेंडरों द्वारा पसंदीदा ऋणदाताओं के रूप में की गई, यहां पर ये ब्रांच में चला जाएगा और यहां ब्रांच से इसको जो है एक कोलेट्रल फ्री लोन, कोलेट्रल फ्री लोन उसको इजीली जो है अब मिल जाएगा। इस प्रक्रिया से ये स्वीकृत ऋणों की संख्या को बढ़ावा मिलने और ऋण वितरण के समय में बहुत कटौती होने की उम्मीद है। तो कल की खबर ये थी कि ये किया जा रहा है। मैंने आपको ये देखिए, कल की सिर्फ इतनी खबर थी कि ये जो संविधि योजना है, उस संविधि योजना में मतलब आप सीधे बैंक के पास आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया ये पूरी योजना कहां पे, कौन दे रहा है, फिर बेनिफिशरीज कौन है, आखिर आवश्यकता क्या है, फायदा क्या होगा इससे, ठीक है। तो ये मैंने इसका पूरा का पूरा आपके लिए डिस्कस कर दिया। अब हम लोग चलते हैं, बड़ा टॉपिक है या अच्छा टॉपिक आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे बात आ रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खाली इतना ही पीआईबी पे लिखा हुआ है, मैं पीआईबी की खबर पहले आपके लिए पढ़ देता हूँ कि पीआईबी पे सिर्फ इतनी बात की गई है कि जो देश में मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड और ट्रांसपोर्ट है, वो क्या उसने जो है जो सेफ्टी व्हीकल्स हैं, सुरक्षा मूल्यांकन के मानकों को अधिसूचित कर दिया कि वो स्वच्छ ऊर्जा चलित वाहनों की वृद्धि के लिए नियमों का वृद्ध किया जाए। मतलब इसमें सिर्फ इतनी बात की गई कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का आप सेफ्टी इवोल्यूशन कर सकते हैं, सिर्फ इतनी बात है। ये कल की खबर है। हम लोग इस खबरों से आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ये बैटरी वर्क कैसे करती है, बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, एक चीज आपको मैं और थोड़ा सा इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लॉ है, बेट्स लॉ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बेट्स लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल, भाई आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं देश में, तमाम भाई सोलर है, विंड है, ओशन करंट एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेस हैं आपके पास, ठीक है, विंड है, ओशन है, टरबाइन एनर्जी ये सारे टरबाइन एनर्जी के सोर्सेस हैं, टरबाइन से चलते हैं, ठीक है। तो इतने एनर्जी के सोर्सेस के बाद आखिर आपको क्या जरूरत है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की। तो बेट्स लॉ का एक नियम है, आप समझ लीजिएगा, वो कहता क्या है, मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, आप लोग फिर मैं हिंदी में आपके लिए बोल दूंगा कि नो टर्बाइन कैन कैप्चर, कोई भी टर्बाइन जो चलने वाला है ऐसे वो कोड नो टर्बाइन कैन कैप्चर मोर देन 59% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा जो भी टर्बाइन है,
टर्बाइन है जो गतिज ऊर्जा के नियमों पे आधारित है, वो 59% से ज्यादा वो यूज अपनी वर्क कैपेसिटी का दे ही नहीं सकता है। जैसे जैसे मैं ये अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं, ये ड्रॉ कर दूं, ये विंड पैनल है मान लीजिए, ये विंड पैनल है, ये विंड पैनल अगर चले तो इसमें जो टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है, ये टरबाइन जो है ये कभी भी बेस्ट मतलब अपना यूज मतलब 59-60% से ज़्यादा दे ही नहीं सकती है। तो इस बेट्स लॉ के तहत टरबाइन एनर्जी से अगर वो 60% दे सकती है, और हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की अगर सबसे बड़ी नीड क्या है, एनर्जी है, और अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा। और दुनिया में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध होने की संभावना लोग व्यक्त करते हैं, तो जो अभी 21वीं सदी में जो युद्ध का जो संभावना व्यक्त करते हैं वो दो आधार पे, एक तो एनर्जी क्राइसिस और दूसरा वाटर क्राइसिस, जल संकट और दूसरा ऊर्जा संकट, इन्हीं आधार पे युद्ध लड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी, और इस एनर्जी क्राइसिस के कारण जो है हम अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो इस दिशा में बढ़ने के लिए हमको हाइड्रोजन सेल की जरूरत है। अब हम चलते हैं कि हाइड्रोजन सेल वर्क कैसे करता है। ये तो हाइड्रोजन, यहाँ पे हम हाइड्रोजन पास करते हैं, ये एक बैटरी होती है, एक बैटरी है, इस बैटरी में हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, पास करेंगे। हाइड्रोजन कैसा है, प्लस है, एनोड का मतलब क्या होता है, प्लस, कैथोड का क्या मतलब होता है, माइनस। हाइड्रोजन यहाँ प्लस क्या होगा, एंटर होगा, जैसे ही हाइड्रोजन एंटर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हाइड्रोजन आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो आयन्स हैं वो कैथोड माइनस से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रक्रिया को क्या कर दे, तेज कर दे या क्या कर दे, तीव्र कर दे। मतलब कैटलिस्ट आर दोज जो बहुत तेजी से उन चीजों को कर दें। अब ये आयन इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, और यहां से हमने अंदर क्या भेजा, ऑक्सीजन भेजा, तो एच यहां से गया और ऑक्सीजन गया, तो यहां पे क्या होगा कि यहां से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी कैसी होगी, ये हीट एनर्जी होगी। इसका कैलोरीफिक वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू ये बहुत ज्यादा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगा, और जो मतलब बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाटर होगा, वाटर क्या होगा, H2O होगा, H+O2=H2O, तो ये बाय प्रोडक्ट होगा, और ये बाय प्रोडक्ट कैसा है, वाटर का बाय प्रोडक्ट कैसा है, ये वाटर का बाय प्रोडक्ट मतलब पोल्यूशन फ्री है, सबसे बड़ी डिमांड इसकी इसीलिए है। तो ये हो गया, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने चर्चा कर दी कि ये काम कैसे करता है। तो हाइड्रोजन इन होगा, तो जब वहाँ अंदर जाएगा तो आयन होगा, एनोड पे आयन बनेगा, अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन कैटलिस्ट इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद जब वहाँ से दूसरी तरफ से ऑक्सीजन होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एनर्जी बनेगी, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगी। अब हम चलते हैं इसमें आगे चलते हैं, इसको जो हाइड्रोजन सेल्स को अगर आप यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन सेल्स को, तो इसको फ्यूचर एनर्जी सोर्सेस क्यों कहा गया। तो फ्यूचर एनर्जी सोर्सेस क्यों कहा गया, तो आप जरा देखिएगा कि ये इट इज रेडी टू अवेलेबल, मतलब हाइड्रोजन ईंधन सेल के भंडारण का लाभ है। मतलब आपको सबसे बड़ी बात कि भविष्य में इसको ईंधन का स्रोत क्यों कहा गया, क्योंकि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है और ज्यादा है प्रचुर मात्रा में। ऑक्सीजन की मात्रा H2 को अगर देखेंगे तो ये एनवायरमेंट में पाया जाता है, तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरा, सभी मौसमों में आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी मौसम में आप करें और ये मौसम, जैसे सोलर का क्या है कि आप खाली गर्मी के दिनों में अच्छा यूज कर पाएंगे। विंड का क्या है, हवा बहनी चाहिए। ओटेक का क्या है कि समुद्र में तरंगे उठनी चाहिए।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वाटर होना चाहिए और एक एक, एक कम से कम ऊपर से गिरना चाहिए जिसमें फोर्स होना चाहिए। तो सबके साथ क्या है, लिमिटेशन है। ये क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं भाई, सभी मौसम में उपलब्ध है, कुछ नहीं है, प्रचुर मात्रा में है। और क्या है, कैसा है ये, इसके साथ और क्या, फ्यूचर एनर्जी सोर्स इसको क्यों बोला गया, तो क्योंकि ये कार्बन शून्य उत्सर्जन करता है, कार्बन शून्य उत्सर्जन करता है, तो ये बड़ी बात है। फ्यूचर एनर्जी सोर्स अगर हम इसको देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, फ्यूचर एनर्जी सोर्स है। फ्यूचर एनर्जी सोर्स क्यों है, तो हमने इसकी बात की कि एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ऑल वेदर है, ऑल वेदर है, और थर्ड हम देखेंगे कि कार्बन इसमें नहीं है, कोई भी हार्मफुल इमिशंस नहीं है। भाई अगर हम H2 को यूज़ करते हैं फ्यूल सेल के रूप में तो हमको H2O मिलेगा, कोई हार्मफुल नहीं है, पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात कि ये H2 जो है वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, रॉकेट में, फ्यूल रॉकेट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हम कर सकते हैं, तो इसी को कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट है, रिन्यूएबल इन द सोर्सेस है, तो ये बहुत ही मतलब इसमें अच्छा है। अब अगर हम और थोड़ा सा इसको आगे लें तो इंडिया में इसको लेके बहुत डेवलपमेंट है, इंडिया में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट भारत इसमें कर रहा है। क्या क्या डेवलप कर चुका है भारत या क्या क्या कर रहा है, तो आप देखेंगे कि नेशनल या राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा ऊर्जा रोड मैप या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप या प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने 2015 में, श्योर शॉट है कि 2015 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप एक भारत सरकार ने बनाया। फिर अभी हाल ही में भारत सरकार ने टाटा के साथ मिलके, टाटा प्लस IOCL प्लस इसरो ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे विकास कर रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे, ये भारत सरकार का है। और इससे जो है मतलब एक बस, ये लोग बस में यूज़ करने वाले हैं, जो इनका मानना है, इन्होंने लॉन्च की है 2019 में और ये एक सफल कार्यक्रम भी भारत सरकार ने देख चुका है। और एक जो है हाइड्रोजन CNG स्टेशन जो है वो दिल्ली में इसका भी सफल उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं, दिल्ली में स्थापित हो चुकी है। तो ये भारत सरकार का डेवलपमेंट है हाइड्रोजन में, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी भारत सरकार ने बना रखी है, स्टेशन भी स्थापित कर चुका है, टाटा IOCL और इसरो प्रद भी कर रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, मतलब हम लोगों ने कैसे ये वर्क करता है, हाउ डज इट, यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे कर रहा है, इसका लाभ क्या है ये देखा, ठीक है, और इंडियाज डेवलपमेंट क्या है ये देखा। अब हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, हानि क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये महंगा है, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है, एबंडेंट तो है, मतलब ज़्यादा है, डाउट नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन ये महंगा होगा अभी, इसको ये आम जन तक पहुँच मुश्किल है, इसकी अभी आम जन तक पहुँचना अभी इसको मुश्किल है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये लोग बोलते हैं कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये इसका जो बाई प्रोडक्ट्स नहीं है, बाई प्रोडक्ट जो है इसका नहीं, मतलब इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या प्रकृति के लिए अच्छा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझिएगा कि H2 का उत्पादन है, जैसे CH4 क्या है, मीथेन है। H2 का उत्पादन जो है वो कहाँ से हम करने वाले हैं, वो नेचुरल गैस से ही लेने वाले हैं, नेचुरल गैस से ही हम निकालेंगे। और अगर हम H2 का उत्पादन, मतलब उत्पादन नेचुरल गैस से ही करेंगे तो 100% कार्बन इमिशन होगा, अगर हम निकालते हैं तो कार्बन इमिशन होगा। और अब तक मैं आपको एक डाटा देता हूँ, ये डाटा है कि जो भी कमर्शियली हम यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियली मतलब वाणिज्यिक रूप से जो भी हम अभी H2 यूज़ कर रहे हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं, 80% हम जो ले रहे हैं वो नेचुरल गैस से ही ले रहे हैं। तो जो हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली का दावा करते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है नहीं भाई, थोड़ा सा ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी इसकी खामी, इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है,
स्टोरेज इज नॉट इजी, स्टोरेज इसलिए नहीं इजी है क्योंकि पीएच है और आयन ये एक बहुत तेजी से क्या करता है, बहुत तेजी से मूव करता है, तो इसका स्टोरेज जैसे क्या है, पाइपलाइन से आप नहीं भेज सकेंगे बहुत ज़्यादा, पाइपलाइन से आप चीज़ों जैसे आपने गैस भेज दी, आपने चीज़ें भेज दी, ये बहुत तेज रेट बहुत मूव करता है, तो इसका स्टोरेज मुश्किल है और ये बहुत ज्वलनशील है, थोड़ी सी भी अगर इसको वो मिल गया तो आग लगने की संभावनाएं हैं, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अभी जो है ये कुल मिलाकर अगर हम कुल मिलाकर देखें तो क्या है, कुल मिलाकर समय के सापेक्ष सस्ता हो जाएगा, समय के सापेक्ष इसका महत्व बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा, तो ये है कुल मिला के मामला जो है ये, और हमको हाइड्रोजन वाले पे थोड़ा सा जो है ध्यान भी देना होगा ढंग से कि इन चीज़ों को हम कैसे अच्छे से करते हैं। ये हो गया आज का, अगर हम लोग टॉपिक देखेंगे तो अगर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने हाइड्रोजन सेल पढ़ा, हाइड्रोजन सेल पढ़ा, हम लोगों ने ई संविधि योजना पढ़ी, संविधि योजना पढ़ी, हम लोगों ने क्या देखा और, तो हम लोगों ने बोरिंग्स वाला मामला देखा, कैट देखा, और जो भी देखा हम लोगों ने वो एक प्रॉपर समग्र नीति में देखा। पीआईबी पे जो खबरें थी वो एक शॉर्ट फॉर्म में थी, मैंने आपके लिए खबरों में जो प्रयत्न किया कि मैं आपके लिए जो खबर लेके आऊँ उन खबरों में मैंने इस तरह का प्रयत्न किया है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा कि हम लोग उन खबरों पे थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग एक फॉलो करेंगे, एक बेसिकली एक नियम होता है पेस्टल, पेस्टल पी पॉलिटिकल राजनीतिक, पी इकोनॉमिकल वाणिज्यिक, वाणिज्यिक उसके बाद एस सोशियोलॉजिकल सामाजिक या सामाजिक है, टी पी एस टी एल एल लीगल, और ये बेसिकली यहाँ पे ये नहीं है, ये पेस्टल, और एक होता है लीगल का मतलब होता है विधिक, विधिक, और यहाँ पे एल फॉर लीगल हो गया, एक हो गया ई, ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल। अब हम क्या करेंगे, हम कभी भी जो वही न्यूज़ बनती है या वही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, वही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है जिसमें पेस्टल लागू हो रहा है, पेस्टल लागू हो रहा है, पेस्टल लागू हो रहा है का मतलब सेंस है कि अगर वो पॉलिटिकल है या फिर वो इकोनॉमिकल है या फिर वो सोशल है या फिर वो लीगल है या फिर वो जो है इन्वायरमेंटल है, जैसे इन्वायरमेंटल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल की आज हम लोगों ने बात कर ली, अगर हम पॉलिटिकल खबरों को जाएं तो कैट की कुछ हम लोगों ने देखा था, या लीगल पे जाएं, ये लीगल पे ही हम लोग चले जाएं तो कैट की खबर पे हमने देखा था, अगर हम ई संविधि योजना को देखने जाएंगे तो ये सोशल और इकोनॉमिकल दोनों आ रही है, तो और अगर हम मेडिसिन वाला देखने जाएं तो वो भी, तो इस तरह से मतलब खबर वही बनती है जो उसमें पॉलिटिकल रंग हो, जिसमें इकोनॉमिकल रंग हो, जिसमें सोशियोलॉजिकल रंग हो, जिसमें लीगल हो, जिसमें एनवायरमेंटल हो, तो कुल मिला के हम इस तरह की खबरों को हम लोग करेंगे। मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के इस पे, मुझे सुनने के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और इस तरह से हम लोग एक बार डेली जो है इन खबरों का सिलसिला चलाते रहेंगे और हर खबर को विस्तार से देखेंगे, कोई खबर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं देखेंगे कि बस ये खबर आई है तो ऐसे ही है, नहीं, हम लोग पूरी उसकी जानकारी लेंगे कि वो खैर, जैसे हम लोगों ने आज एक इकोनॉमिकल खबर भी देखी, ये इकोनॉमिकल खबर देखी, इकोनॉमिकल खबर से जो स्टेट बोरोइंग वाला देखा, स्टेट बोरोइंग वाला, तो ये देखिए, तो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि ये पेस्टल खबरें हैं और पेस्टल खबरों को हम लोग आगे जो है कवर करेंगे। धन्यवाद आपका जो है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।